नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10, आपके साथ मैं हूं शखान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बता दें, धनोरी के विद्युत विभाग कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन रोड के चौधरी रजत रोड के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और किसानों को अलग अलग मांगों को लेकर परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। साथ ही भारतीय किसान यूनियन रोड के चौधरी रजत रोड ने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, क्षेत्र के किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भाई साहब, इसमें बिजली के इतने किसानों को इतना परेशान कर दिया बिजली विभाग ने, कोई लिमिट नहीं है। टाइम गेहूं में पानी देने तभी लोग इतने परेशान हो गए। कभी वही लाइट भगा दा, कोई पता नहीं। हम इन पर फोन करेंगे, क्या था कि भाई रोस्टिंग चल रही, क्या सबरी रोस्टिंग, क्या घंटे चल रही इसका रोस्टिंग, कहीं नहीं पता लग रहा। हम किसान इतने परेशान हो लिए, गेहूं पानी देने तो इतने दुखी हो लिए, बस क्या नहीं सकते। लेकिन बात हुई, इन्होंने एक हफ्ते का समय दिया, हम उनका निस्तारण करेंगे और लाइट में परिवर्तन करेंगे। कई मुद्दों बात हुई हमारी इनके साथ, क्या कई सारे मुद्दे भाई। टाइम पर लाइट भेज गए, बार बार कटने लगने के, कोई मीटर रीडिंग आ रही बढ़गा उसे सही करेंगे, जो ट्रांसफार्म चेंज होने उनको चेंज करेंगे, कई मुद्दे है करने के। आज इन्हें हमने ज्ञापन दे दिया, आज ज्ञापन दे दिया। अगर दोबारा तो मनमानी करेंगे तो इनका इलाज जाना, हम हमारे पास इलाज, इनका ऐसा इलाज करेंगे। वो बाबा टिकेत के आग रहे थे गोला लट्ठी गाँव में जो है, रोस्टिंग और कनेक्शन लग रहे हैं। इस मामले में है कुछ लोगों की बिजली की समस्या भी है, तो बिजली का समस्या पहले हम देख लेता हूँ। और रोस्टिंग में तो हमारा कोई अधिकार है नहीं, इसके वजह से कोई समस्या होती है तो कंट्रोल में जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा ही करेंगे। इसके अलावा अगर कोई लोकल में भी दिक्कत होती है तो वो जल्दी से जल्दी सही कराने की कोशिश। सर, आपके यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर जो फैक्ट्री चल रही है उसमें कितनी मशीनों की परमिशन है? जितने लोड हैं उतने के कितने की होगी सर? लक्सर के अकबरपुर उद गांव में सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मानकों के विपरीत काम करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर उन्होंने लक्सर के एसडीएम को भी लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि लक्सर की श्री सीमेंट फैक्ट्री के बराबर में सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे नहीं था, मैं रुद्रपुर में था। पेटीदार को जो काम दिया था उसने चालू कर दिया था, मैंने आज आके आते उखड़वा दिए। मानस क्या है? अब इसमें पीसीसी होगी नीचे, उसके बाद टाइल लगेगी। कितने लाख की लागत? ये 7 लाख रुपए की सड़क है। यह सड़क मेरे गांव में बन रही है, ना तो कोई इसका प्रस्तावक है, ना कोई इसका मालिक है। यहाँ से ठेकेदार आज तक यहाँ आया नहीं। दो आदमी आए, अगर उन्होंने सड़क सील लगाई और इस पर सड़क के ऊपर ही मिट्टी डालकर और ये लगा दिया। ठेकेदार से बात करी, भाई कहाँ कौन ठेकेदार, क्या क्या नहीं है, कोई इसका ठेकेदार नहीं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य से काम हो रहा है यहाँ से, और ये तो काम ऐसे ही हो, 5.5 लाख का बजट है हमारा, 5.5 लाख की सड़क ऐसे ही बनवा हो। ये तो सड़क बनाई जा रही थी, इसमें ठेकेदार अपनी गुंडागर्दी कर रहा, ना किसी प्रधान से पूछा या किस तरह बनाने क्या करना, बस सिर्फ अपनी मर्जी से ही नीचे मिट्टी फैला कर और उसके ऊपर मानक के अनुसार कोई भी काम नहीं हो रहा। खबर सहारनपुर से, जहां पुलिस लाइन क्रिकेट ग्राउंड पर पत्रकारों की टीमों के बीच खेली जा रही मैत्रीपूर्ण T20 क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल मैच में आज मीडिया ए ने मीडिया बी टीम को 3 विकेट से हराकर श्रृंखला अपने नाम कर ली। फाइनल मुकाबले में मीडिया बी टीम के कप्तान अबरार अहमद सिद्दीकी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज का फैसला किया। मीडिया बी टीम की पहली विकेट 0 के स्कोर पर मुकेश गिरी के रूप में दिलावर ने हासिल की, जिसके बाद विकास त्यागी और अक्षय ने पारी को कुछ हद तक संभालने की कोशिश की, लेकिन काशिफ खान द्वारा की गई घातक गेंदबाजी 4 ओवर में 19 रन देकर 5 विकेट ने किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक पिच पर टिकने नहीं दिया। मीडिया बी टीम निर्धारित 20 ओवर में 140 रन बनाकर आउट हो गई और मीडिया ए की ओर से दवेश त्यागी ने भी 2 और दिलावर ने भी 2 विकेट लेकर विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रोकने की मदद की।
सिंगरौली जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन सामाजिक कार्यों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अमित तिवारी मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि कई सालों से लगातार मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने गरीब बेटियों की शादी में सहयोग करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में 22 फरवरी 2023 को मोरबा वार्ड क्रमांक 9 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के करीब एक गरीब व्यक्ति के बेटी की शादी होनी है। इसकी खबर जैसे ही मानवाधिकार के पदाधिकारियों को मिली, तत्काल अमित तिवारी, सत्येंद्र पासवान, रमन सिन्हा, प्रमोद द्विवेदी, दिनेश श्रीवास्तव उनके घर पहुंचकर 11,000 नगद और टेंट की संपूर्ण व्यवस्था, साथ ही एक अलमारी और एक बक्सा का सहयोग किया। मैं अमित तिवारी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमारे संज्ञान में लाया गया था कि एक बच्ची की शादी है और बच्ची के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो माली हालत उनकी इतनी दुरुस्त नहीं है, तो उस हालत में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम उनकी मदद करें। हम लोगों ने उनकी आर्थिक मदद भी की और उनके टेंट की पूरी व्यवस्था हमने अपने जिम्मे ले ली है। ऊपर से हम लोगों ने उनके लिए एक आलमीरा और एक बॉक्स जो उन लोगों का था कि ये हमको देना है, उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। इस बार फिर प्रदेश की मुखिया के बदलाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और इस अटकलों के बाजार में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जमकर खेल खेला जा रहा है। देखिए, ये तो बात सही है कि ये मुख्यमंत्री जो है, जो हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, वो टोटल फेल है, क्योंकि इस समय हमारे उत्तराखंड में जितनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहे हैं, अराजकता चारों ओर फैल रही है, भ्रष्टाचार अत्यंत ऊंची सीमाओं पर है। देखिए, कांग्रेस जो है वो 60 साल तक खुद इतने भ्रष्टाचार कर चुकी है कि उन्हें आज किसी को भ्रष्टाचारी कहने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का उनका अधिकार ही खत्म हो चुका है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धामी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, ना कोई ऐसा काम किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से कांग्रेस इस टाइम परेशान है। आज के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ टाइम।